महिंद्रा XUV 3XL को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और टाइम के साथ महिंद्रा ने इसको अपडेट भी नहीं किया है और जो इसके कंपटीशन है उन्होंने अपने आप को अपडेट किया और काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट्स अदर कंपनीज लेके आई है। तो अब जाकर 2021 में कुछ लीक्स निकल के आ रहे हैं कि महिंद्रा XUV 3XL के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर सकता है। वैसे इस कार की सेल है वो भी काफ़ी अच्छी होती रहती है हर महीने, क्योंकि ये इंडिया की सेफेस्ट कार है। तो अब महिंद्रा ने इसकी सेल्स को देखते हुए इसके फेसलिफ्ट को लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। इसके जो लीक्स है उनके हिसाब से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ऐसे फीचर अब तक इस कार में नहीं थे और शायद तक कंपनी उनको ऑफर करेगी इस फेसलिफ्ट में। सबसे पहला फीचर है 360 डिग्री कैमरा। आज के टाइम में जहाँ 2021 एंड होने को आया है, वहाँ पर निसान मैगनाइट और रेनो काइगर जैसी चीपेस्ट कारें जो 5-6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, वो कारें 360 डिग्री कैमरा ऑफर करती है। लेकिन इतनी महंगी कार होने के बाद भी XUV 3XL में अभी तक ये ऑफर नहीं किया जा रहा था। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं महिंद्रा से कि महिंद्रा इसमें 360 डिग्री कैमरा ऑफर करेगी। और दूसरा फीचर है वायरलेस चार्जिंग का। अब वायरलेस चार्जिंग का जो फीचर है वो नॉर्मल हो गया है और आजकल के जो मोबाइल फोन्स भी है हर किसी के, वो वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं और आजकल कस्टमर्स भी अटेंशन देने लगे हैं ऐसे छोटे छोटे फीचर्स पर। तो महिंद्रा XUV 3XL के फेसलिफ्ट में वायरलेस चार्जिंग देनी चाहिए और शायद तक कंपनी इसमें वायरलेस चार्जिंग भी देगी। ये कुछ कैबिन कन्वीनियंस के फीचर है जो कि इस कार में अभी तक मिस थे और कंपनी अब इसे दे सकती है। तीसरा और काफ़ी बड़ा फीचर है वो है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले एक ही मोस्ट कॉमन फीचर हो गया है जो हर कार में आज के टाइम में मिलता है और बाइक के लिए भी नॉर्मल और इजी होता है इसको यूज़ करना। और महिंद्रा XUV 3XL में अब तक आपको ये फीचर नहीं मिल रहा था और अब जो फेसलिफ्ट मॉडल आएगा उसमें ये दोनों फीचर्स को दे दिया जाएगा, क्योंकि ये एक मोस्ट कॉमन फीचर है। तो इसको मतलब मेरे हिसाब से महिंद्रा के लिए बेवकूफ़ी होगी। और फोर्थ नंबर पर इसके एक्सटीरियर की डिज़ाइन को, नो डाउट एक्सटीरियर की जो डिज़ाइन है वो कहीं से भी फेसलिफ्ट की नीड नहीं रखती है, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है वो एकदम फ्रेश लगती है और वाकई में रियली जो आगे से चिता लुक दिया हुआ है वो हर किसी को पसंद है और शायद इसी कारण से इस कार की सेल्स भी इतनी होती है। लेकिन जहाँ पर टाइम के साथ हर कंपनी कुछ ना कुछ अपडेट करती रहती है, तो महिंद्रा भी अपनी कार में अपडेट करेगी, जैसे इसके हेडलैम्प है, फॉग लैम्प है, उनको चेंज कर देगी, आगे फ्रंट बम्पर, फ्रंट ग्रिल है उन सबको भी चेंज कर देगी, साइड के जो अलॉय व्हील्स है उनको चेंज कर देगी और पीछे की टेल लाइट है और पीछे का बम्पर है, बस इतनी चीज़ों को महिंद्रा चेंज करेगी। और ये एक फेसलिफ्ट नेक्स्ट जनरेशन नहीं है तो इसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं की जाएंगी, तो इससे हम कोई भी बड़े मेजर चेंजेस की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। ये जो छोटे मोटे फीचर है हर कंपनी अपने फेसलिफ्ट में चेंज करा करती है वही महिंद्रा करेगी, और इसकी जो इंटीरियर लुक है उसको चेंज करेगी। बहुत कम लोगों को पसंद आता है XUV 3XL का, क्योंकि इसमें ड्यूल टोन इंटीरियर है और इंटीरियर का जो डिज़ाइन है, थीम है, इतना भी अच्छा नहीं दिखता है, थोड़ा पुराने ज़माने का लगता है। अब महिंद्रा अपनी फेसलिफ्ट कार में इसके जो इंटीरियर डिज़ाइन को है वो पूरा चेंज कर देगी, इसके जो थीम है उसको पूरा चेंज करेगी। इसमें शायद तक एक कलर दिया जाएगा जो कि पूरा ब्लैक होगा, क्योंकि आज के टाइम में बीच को प्रीफर बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि ये जल्दी गंदा हो जाता है और इसकी जो कंपटीशन की कार है वो सब ब्लैक थीम ही ऑफर करती है। और इसकी जो सीट अपहोल्स्ट्री है उसको भी चेंज कर दिया जाएगा और इसमें एकदम फ्रेश कैबिन वाली फील आएगी। एक फीचर इंटीरियर में जो इस कार में अभी तक मिस था वो था रियर एसी वेंट का। तो लगभग 90% चांस है कि महिंद्रा इसमें रियर एसी वेंट भी ऑफर करे। इन फीचर्स के अलावा आप भी कोई अगर फीचर्स उम्मीद कर महिंद्रा से तो नीचे कमेंट में मुझे बताना। और इस वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।